जो भाई खड़े हैं तो शीप रखते हैं, बैठ जाएं, खड़े ना रहें। الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال میرے محترم بھائی اور بہنوں بہت بڑا اہل ایمان کا مجمع ہے اور بہت ضروری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تقریر کرنے کے لیے پاکستان میں بہت مجمع ہے لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں پیغام ہے جو پہنچانا ہے بہت ضروری ہے ھذا بلاغ للناس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میرا قرآن ہے یہ میرا پیغام ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ انسان کے سامنے دو علم ہیں ایک غلط ہے ایک صحیح ہے اور اس کے اندر طاقت ہے کہ یہ دونوں کو اختیار کر سکتا ہے اس زبان سے سچ بولے یا جھوٹ بولے اس کو طاقت ہے ان نظروں کو ناپاک کر دے یا پاکیزہ کر دے اسے طاقت ہے ان کانوں سے غلط سنے ٹھیک سنے یہ کر سکتا ہے یہ شراب بیچے یا حلال بیچے یہ دونوں طرح کر سکتا ہے یہ ظلم کرے یا عدل کرے دونوں کام کر سکتا ہے اللہ نے پیغام دیا ہے لا تحسبن اللہ غافلا بس یہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں غافل نہیں ہوں اللہ یہ جو ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں غافل نہیں ہوں اور ایحسب الانسان ان یترک السدا اور یہ بھی تم بھول جاؤ کہ جو تو
जो कुछ तुम करोगे इस पर कोई तुम्हें कुछ पूछने वाला नहीं, या कहने वाला नहीं, या पकड़ने वाला नहीं, या मेहनत का सिला नहीं दे मिलेगा, या जुर्म की सजा ना मिलेगी, का ये ख्याल तुम दिल से निकाल दो। अयहसब अल-इंसान अन युतरक सुदा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। कुरान एक पैगाम है और बलागुल लिन्नास है, जिसे लोगों तक पहुंचाना है। तो जब तक कलाम वाले का नहीं पता होगा, कलाम की ताकत का पता नहीं होगा कि ये कहने वाला कौन है, उसकी ताकत मालूम होगी तो उसकी बात की ताकत मालूम होगी। अगर वो मेरी नज़र में बेहैसियत है तो उसकी बात भी मेरी नज़र में बेहैसियत है। अगर वो मेरी नज़र में हैसियत वाला है तो उसकी बात भी मेरी नज़र में हैसियत वाली है। आप सुर्ख इशारा देखकर क्यों खड़े हो जाते हैं रात के 12 बजे भी? पाकिस्तान में दिन के 12 बजे भी आप इशारा तोड़ के निकल जाते हैं, यहाँ आप रात को 12 बजे भी खड़े हुए हैं कि यहाँ आप हुकूमत की ताकत को समझते हैं कि यहाँ की हुकूमत ताकतवर है और वो हमें रात के 12 बजे भी देख रही है और हमें उसका जुर्माना घर ही पहुँच जाएगा, लिहाजा खड़े हैं और वहाँ हुकूमत बेहैसियत है, कमज़ोर है, आप दिन के 12 बजे भी इशारा तोड़ के चले जाएँ तो आप बेपरवाह होते हैं कि मैनू कहें पूछना है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया के इंसानों सबसे पहले जानो के अल्लाह कौन है, सबसे पहले जानो के अल्लाह कौन है। वो तो सामने नहीं है तो वो अपने अफाल किरदार सिफात से पहचाना जाएगा कि ये ज़मीन कैसे बिछ गई, आसमान कैसे खड़ा हो गया, ये खूबसूरत दरख्त किसने बनाए, इनको साया किसने दिया, इन खूबसूरत पत्तों को ये शक्ल, ये रंग, ये नक्शा, ये सब्जा किसने दिया, बाज़े दरख्तों पे फल कौन लाता है, उनकी नई नई शक्लें कौन बनाता है, उनमें नए नए जायके कौन भरता है, उनमें रंग बरंगी जो उसमें खूबसूरतियाँ लाता है वो कौन लाता है, और उसमें लजीज तरीन जायके कौन भरता है, और समंदर की मौजों को किनारे पर कौन तोड़ता है, और बहते दरियाओं को दो किनारों में चलाता हुआ समंदर में कौन गिराता है, और ये बादल कौन उठाता है, ये बारिश कौन बरसाता है, और मैं खुद एक नुतफे का बना हुआ हूँ, मुझे किसने बनाया है, और मैं कैसे बना, और मेरी जबान उर्दू पंजाबी कैसे बन गई, और ये मेरे पीछे जो मौत है ये क्या है, मुझे कौन मारता है, लाशों कोहों के पहरे में भी मौत आती है, आहनी दीवारों के अंदर भी मौत आती है, गार के अंदर छुप के बैठो मौत आती है, ये कौन है, ये सारे वो सवाल हैं जिनके पीछे अल्लाह की कुदरत नजर आती है। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। पहले हम अल्लाह को पहचाने कि अल्लाह कौन है, फिर उसके पैगाम की ताकत का अंदाजा, अल्लाह की ताकत से उसके पैगाम की ताकत का अंदाजा होगा कि अल्लाह अपना तारुफ करवाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, इन्हें बताओ कि वह अहद है, वाहिद अहद। वाहिद किसे कहें, जिसका पार्टनर कोई ना हो। अहद किसे कहें, जिस जैसा कोई ना हो। मैं ये कह सकता हूं इस वेस्ट कोट का मैं वाहिद मालिक हूं कि इसमें मेरा पार्टनर कोई नहीं। कोई दुनिया का इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं इस शय का अहद मालिक हूं या मैं अहद हूं, कि वाहिद वो है जिसका शरीक ना हो। तो उसको मजाजी तौर पर इंसान अपने ऊपर बोल सकता है कि जी ये मेरा कारोबार है, मैं इसका वाहिद मालिक हूं, यानी मेरा पार्टनर कोई नहीं है, ये मजाजन है। लेकिन अहद को मजाजन भी नहीं बोल सकते। कुल हो वल्लाहु अहद, इन्हें बताओ कि वो बेमिसाल है। तुम सोचना चाहो, कोई मिसाल हो तो सोचो, भाई घोड़ा कैसा होता है, खच्चर देखा है? हाँ जी देखा है। का वैसा घोड़ा होता है भाई। वो कुत्ता कैसा होता है, कुत्ता कैसा होता है,
बकरी कैसी होती है, भेड़ कैसी।